जिला पुलिस और सीआरपीएफ की 60 बटालियन द्वारा करैकेला थाना के रंजड़ा कोचा पहाड़ी से दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों के पास से 5,20,000 रुपए नगद, एक डिस्कवर मोटरसाइकिल, माओवादियों का स्लोगन लिखा हुआ पोस्टर, 5 माओवादी नारा लिखा हुआ पोस्टर और 3 स्मार्टफोन बरामद किया गया है। गिरफ्तार 34 वर्षीय विजय प्रधान चक्रधरपुर थाना के पदमपुर गांव और 33 वर्षीय दशरथ महतो टोंक रोड थाना के लोदो डी गांव के रहने वाला है। पुलिस को रंजड़ा कोचा पहाड़ी पर नक्सली गतिविधि की सूचना मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए जिला पुलिस और सीआरपीएफ की टीम जंगल पहुंची। पुलिस को देखकर दो व्यक्ति भागते नजर आए, पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान दोनों ने अपना परिचय एक ठेकेदार के मुंशी के रूप में दिया। उन्होंने बताया कि वह नक्सलियों को पैसा देने के लिए आए हुए थे। पुलिस के सर्च अभियान के दौरान पैसे और सामान बरामद किए गए।